कब से कर रहे हैं काम? बहुत समय, 2 साल हो गए। कितना काम, घंटा काम कर रहा हूँ? 8 घंटे सुबह से, सुबह 6 से 2 बजे तक। क्या क्या करना होता है? यही यही से प्रण में पूरी झाड़ू, सीढ़ी प्रण झाड़ू रहता है। नीचे किनारे किनारे बैकलॉग है, पानी निकाल, कचरा फचरा जितना फूल माला कागज़ सब जूठा फूटा सब फेंक देते हैं, सब दुनिया पड़ता है। कौन कौन से कहाँ से घाट? हाँ, वहाँ सबको बटा हुआ है। हम लोग का देखिए, वो जो चेत सिंह का कोना देख रहे हैं, वहाँ से लेके ये यहाँ तक है निषाद रास्ता। इधर जानती के दो लोग आप हैं? हम यहाँ हैं, प्रभु प्रभु पंचकोट से प्रभु थे। निषाद राज घाट में कौन ये है? दो लोग इधर, दो लोग इधर, इस तरह बटा हुआ है। पूरा पैसा नहीं दे, मतलब लीव इसमें कुछ नहीं है आप लोग का? सिख मतलब बीमार होने पर कुछ नहीं, कुछ नहीं है सर। यहाँ चोट लग जाए, आदमी गिर जाता है सीढ़ी से, झाड़ू लगने पर रुपया नहीं देते, कुछ नहीं देते। जाओ घर बैठो, सीधे कहता घर बैठो जाओ। अकाउंट में आता है कैश देते हैं? कैश देते हैं। अकाउंट तो सबका लिया था, गिर गए थे, एक गाठी में चोट लग गया था, 1 रुपया दवा करने के नहीं दिया, और बोलने कि जाओ घर बैठो, तुमको काम करना नहीं होगा। हर बात में धमकी देते हैं कि तुमको काम से हटा देंगे। इसी तरह सब कौन है ये? नमामि गंगे वाले सरकारी है कि ये प्राइवेट है? सर पर नमामि गंगे तो सरकारी योजना है। योजना तो सरकारी है, लेकिन वो ठीके पे दे दिए है ना, ठीके चला रहे हैं, ठेके पर दिए हैं, पूरा ठेके पर है, वहाँ से लेके। हाँ, सब नमामि गंगे का ही नाम, एक ही आदमी पर। हाँ, नमामि गंगे का पर ही नाम पर ही चल रहा है। पर कौन किसको ठेके पे? कोई तिवारी करके है। कौन तिवारी? ये तो नाम पूरा नहीं मालूम। रजनीगंधा वाले भी हैं कंपनी, रजनीगंधा वाले भी हैं और कागजू कंपनियाँ, कुछ लोग घाट को गोद लिए हैं, हाँ करवाते हैं, उसमें कई लोग जो भी हैं। ये कोई सुविधा नहीं देती है सर, खाली काम कराती हैं, जान लेते हैं गरीब लोग। छुट्टी अगर से एक छुट्टी हम लोग कहीं चार छुट्टी चलावा, एक ट्रक हो गया तो 4-5 छुट्टी काटेंगे, उसका डबल पैसा काटते, डबल पैसा काटे। और इतना काम करा लेंगे जो है कि, जो है कि कोई आता है उसमें अगर से करा लेंगे ओवर टाइम, तो जो है तो उसका भी पैसा नहीं देंगे। कितना काट देते एक दिन का? 220 रुपया बनता है। हाँ, 1,000 कहते हैं, PF काटते हैं। जब से मोदी आए हैं तभी से चलता है। पहले नगर निगम करता था सर, जो कि एक आदमी करता था पूरा, जो है किसान मोदी आए तब जो है पूरा मतलब आदमी रखवाएं। और अच्छे रोड पर सफाई कर रोड पर अलग है, उनका भी वही सर लिए। नाम के फायदा नहीं है, कोई साधन। 2 साल हम लोग कह रहे पैसा के लिए, पैसा भी नहीं बढ़ा। पहले हम लोग प्राइवेट अस्पताल टेम्पो वही लग रहा है यहाँ तो। हम लोग यहाँ सिर्फ मोदी के नाम पर हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग सोचे कि हो जाएगा, कुछ सरकारी हो जाएगा, इसलिए हम लोग आसन आए। बहुत प्रचार करते हैं, बहुत प्रचार। वो अपना नाम कमाने खातिर तो प्रचार करते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तो हम लोग को, जो काम करता है वो उसको ना दिक्कत, छोटे कर्मचारी को दिक्कत है ना सबसे ज्यादा, इसलिए कि बहुत कम पैसा मिलता है। तनख्वाह देते हैं, 2 महीना खटा लेते हैं तो 1 महीना का तनख्वाह देते हैं। एक 2 तारीख के तनख्वाह नहीं देते। अकाउंट में भी भेजेंगे सर तो काट के भेजेंगे, सुपरवाइजर के हाथ में है, वो जितना भरेंगे। हाजिरी सुपरवाइजर यहाँ बैठे हैं सर, हर बीट का अलग 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 घाट का अलग। हर घाट क्या नाम है? नीलेश सर, नीलेश मिश्रा यादव हैं। तो जितने सफाई कर्मचारी हैं कौन से जाति से? एक ही जाति से नहीं है, सब अलग हर जाति हैं सर। जो जैसे हम लोग बाल्मीकि में आते हैं, हम लोग रबदासिया में आते हैं, और लोग हम मल्ला में आते हैं, लोग कर रहे हैं चौधरी। हाँ चौधरी भी हैं। हाँ सर, सब सफाई जात करते हैं सर। आप लोग क्या हुआ टाइटल वाल्मीकि करौंदी में? हम लोग पूरा वहाँ वाल्मीकि समाज ही करता है।
हम लोग को कुछ भला नहीं, हम लोग तो 2 साल से पढ़े हैं, उसी उम्मीद से कुछ होगा, लेकिन ना पैसा पड़ा ना पहले भी 100 रुपया थे, 6000 मिलता था, उसके बाद 200 बढ़ाया, उसके बाद 100 बढ़ाया, फिर 100 बढ़ाया था 4500 मिला। इससे आगे बढ़ने नहीं तो हर जगह तो फैला हुआ है कि पता चला है कि लोग 11000 10500 हम लोग का 300 कुछ उनका हाजिरी बनता है एक दिन का, क्योंकि 300 का हाजिरी देते 9000 तुम लोग का पेमेंट होता है। हम लोग को नहीं बनाया, ये तो सर कंपनी वालों को सुविधा देना चाहिए हम लोगों को, मगर नहीं कुछ भी नहीं। कंपनी का नाम भी आपको नहीं पता है, आप किससे काम करते हैं? एलवेसेस कोई कंपनी है, कुछ जानकारी नहीं मिलता है सर, किसी से कुछ पूछिए तो सही, बोलते भी तो नहीं है। हम लोग तो सुपरवाइजर खुद नहीं बताएंगे, हम लोग पूछा जाता है कोई अधिकारी उससे बड़े अधिकारी अगर बात करना चाहे सुपरवाइजर लोग बात नहीं करते, जो हम दिखाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगा, कौन हमारा परमानेंट नौकरी है, कुछ भला हो जाए, हम ना रहे लेकिन हमारा हो जाए, मान लीजिए हम लोगों का नहीं जो करने वाला उसका भला हो जाएगा, किसी का तो हो कुछ आगे बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कम से कम ये तो होगा कि हम ना रहेंगे किसी का भी तो भला होगा, क्या करेगा ज़्यादा हटाएगा इससे ज़्यादा कुछ करेगा। बहुत धाधली चल रहा है, बहुत ज़्यादा धाधली चल रहा है, काम तो इतना गरीब के सब पैसा खा खा के पीएफ काट के साथ पीएफ काट के टाइम से तनख्वाह नहीं मिल रहा है, अरे दो दो महीना हो जा रहा है, 25 तारीख को मिलता है। तो परमानेंट नौकरी है? नहीं, जो मोती निकाले नमामि गंगे प्राइवेट। आपको छुट्टी उट्टी मिलता है कि रोज का है? नहीं, 4 छुट्टी मिलता है। महीने का कि साल का? नहीं, महीना, हर महीना। तो महीने में तो 4 दिन तो संडे है। हाँ, तो वही संडे राशन वासन कुछ नहीं मिलता। कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ? कंपनी खुलने तो 4 साल होते ही होगा, 4 साल मगर टाइम से तनख्वाह नहीं मिला। 7000 मिलता है पीएफ कार्ड, नागा का भी कटता है उसी में। क्या है नागा? नागा जिस दिन हम लोग नहीं आते उस दिन का पैसा कट जाता है। कितना? वही ड्यूटी के हिसाब से जितना रोज मिलता है। रोज 8 घंटा ड्यूटी है, सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे। कहाँ कहाँ करना होता है आपको? ये लोग सब अपना अपना बीट करते हैं। आपका कहाँ? हमारे यहाँ चौराहा से लेकर पूरी घाट है हरिचंद। हम लोग का मड़ई वहाँ पे लगा है, झोपड़ी आगे जो है पेट्रोल पंप है, वहाँ पे पुल है, 2-3 मड़ई है। हम लोग कभी हाथों से देते हैं, कभी बैंक में भी देते हैं, जैसे कि 1-2 महीना हो गया तो हाथ से दे देते हैं, अगर 2-2 महीना का चढ़ जाता है पैसा तो मैं हाथ से देते हैं घाट पर लाके, और कहते हैं इलाहाबाद बैंक खोलो, इलाहाबाद कैठे खोला जाएगा हम लोग खाता, 1-1000 लग रहा है खाता में। पहले तो बोले थे कि चाहे जौन बैंक रहेगा तुम लोग का तनख्वाह उसी में जाएगा, तो हम लोग का सबका अलग अलग है, तो छोड़ना चाहिए ना, कितना लोगों को हाथ से दे रहे हैं, कितना लोगों को बैंक में दे रहे हैं, बैंक में जल्दी पैसा आता नहीं, 4 दिन हो जा रहा है, 5 दिन 10 दिन लग जाता है। तो घर में पति क्या करते हैं? वो भी इसी में? हाँ, वो भी इसी में, उनका कूड़ा उठा रहे थे सीढ़ी पर ना, तो गाय पीछे से आके गाय मार दी, उनका गोड़ टूट गया, तो उन्हीं के संदिन कर रहे हैं ना, सुबह अपना ड्यूटी करते हैं 2 बजे से 8 बजे तक अपने आदमी का ड्यूटी करते हैं। उनको मेडिकल का कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं मिला, सब अपना पैसा लगा रहे हैं, 1000-1200 रुपया तलक लग गया गरीब आदमी, 20,000 रुपया कर्जा काट के लगाते हैं, कोई मदद आपस से नहीं मिला। तो मेडिकल का छुट्टी तो नहीं मिलेगा उनको, पैसा काट लेंगे उनका? हाँ, मतलब कि सुपरवाइजर को कुछ ना कुछ करना चाहिए।